नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि जो सद्गुरु मुहिम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, एक महीने के अंदर अंदर की बात है, उन्होंने शुरुआत की कि तमिलनाडु के मंदिरों को फ्री किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि तमिलनाडु में थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेशन के साथ कंट्रोल किया जाता है कि जैसे ही कोई मंदिर ताज़ा भी बना है, प्रचलित हो गया, ज़्यादा फंडिंग आने लग गई, ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने जाने लग गया, तो तुरंत एक नोटिस आ जाता है कि अभी हमारे कंट्रोल में। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। सद्गुरु ने डाटा भी दिया, आप तमाम उनकी वीडियो देख लीजिए, थोड़ा और स्टैट्स के साथ बताते हैं कि कैसे किस साल में क्या एक्ट आया, कैसे कंट्रोल किया गया। एक बात वहाँ उनकी बहुत अजीब लगी मुझे, मतलब उनकी जो बात कही वो बात मुझे अजीब लगी कि जब ब्रिटिशर्स ने ये स्टेप लिया तो क्रिश्चियंस ने दबा के विरोध किया, उनको घुटने टेकने पड़े। बाद में मुसलमानों ने भी बहुत विरोध किया, जैसे आज कर रहे हैं, बस है जला रहे हैं, तब भी किया, उनको पीछे हटना पड़ गया। हिंदू कम्युनिटी ने ना के बराबर विरोध किया, और शायद नहीं किया, या शायद नेतृत्व ऐसा नहीं रहा होगा जो विरोध करवा ले। उन्होंने सोचा हो गया, आम बात है, हमें क्या मतलब, हम तो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, तो नहीं किया, हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। तो आज की स्थिति ये है कि सरकार, राज्य सरकारों के हाथ में मंदिरों का कंट्रोल तो है, लेकिन मॉस्क और चर्चेस पे घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता। यही साथ सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बन के रहेगी कि हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं के मंदिर को हाथ में रखो, और चाहे जो सरकार आ जाए। भाजपा सरकार भी 6-7 साल से सेंटर में है, और कई स्टेट्स में एक एक टेन्योर, दो दो टेन्योर पूरा करने वाली है। उन लोगों ने ऐसा क्या स्टेप लिया, अगर उनके दिमाग में है तो भाई साहब आप एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भाजपा का समर्थक या भाजपा का मंत्री देख रहा है, आपके अगर दिमाग में ये बात है कि आप इस चीज़ को लागू करने वाले हैं, तो सॉरी, इससे आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। आपके जब जवान पे आएगा और जब कागज में आएगा कि हम ऐसा करने वाले हैं, उस कागज को कहते हैं मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में जब आएगा कि हम ऐसा करेंगे, टेम्पल्स को फ्री कर देंगे जैसे चर्च और मॉस्क फ्री हैं, तो आपको शायद अगला चांस दिया जा सकता है। और यही सद्गुरु का भी कहना है कि फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स, इसलिए वो इस समय पे शुरू कर रहे हैं ये मूवमेंट, क्योंकि वो, इनका ये कहना है, जो सीएम का कैंडिडेट मेरी बात को, इस मूवमेंट को अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, उसको महत्व दिया जाएगा, उसको सरकार में आने का हक दिया जाएगा। मतलब हमारे मन की बात अगर आप मैनिफेस्टो में रखेंगे तो आपको हम प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे अच्छा स्टेप है किसी भविष्य में बनने वाले सीएम को एकदम उसको परखने के लिए कि वो हमारे लिए आ रहा है या अपनी मनगढ़ंत बातों को रख रहा है, अपनी मनगढ़ंत बातों को मैनिफेस्टो में डाल रहा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आप अपनी मर्जी से मत चलिए, आप वो करिए जो जनता की नीड है। मुझे लगता है इससे किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए अक्रॉस द कम्युनिटीज़ कि मुस्लिम्स के इंस्टीट्यूशंस फ्री हैं, उनके तो वक्फ बोर्ड भी बने हुए हैं, सेकुलर कंट्री होते हुए भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है सेकुलर कंट्री होते हुए भी, लेकिन इसी सेकुलर कंट्री में चर्च फ्री है, मॉस्क फ्री है, गुरुद्वारा फ्री है, ये मंदिरों पे कब्जा क्यों है राज्य सरकार का, इसका मुझे कोई जवाब देते, चाहे जिस पार्टी का, चाहे जो आप समझता हो कि उसके पास काम भर ज्ञान है, इसके मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, पहली चीज़, और इसके फ़ायदे भी बताऊँगा, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है ये भी बताना चाहता हूँ। उसमें बने रही, इसको शेयर जरूर करिए अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट स्ट्रांग हो, अगर आप चाहते हैं कि पार्टियाँ अपने आने वाले चुनाव में, यूपी में भी आने वाला है, बंगाल में भी आने वाला है, बंगाल में तो इसी साल है, यूपी में अगले साल है, तो वो लोग इसको मेंशन करें कि हम आएंगे तो उसको फ्री करेंगे, बस ये आपको इंश्योर करना होगा। नुकसान पहले बता देता हूँ, टेम्पल्स के पास पैसा नहीं है जिससे टेम्पल्स की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। शुरुआत से लेकर अभी तक टेम्पल्स का ये काम रहता था कि वो आसपास की गरीब कम्युनिटी को देख रेख करे, पालन पोषण करे, कल्चर की आइडेंटिटी थी टेम्पल, मतलब टेम्पल से ही कल्चर को स्प्रेड किया जाता था, वहाँ पर कल्चरल चीज़ें होती थी। अब जैसे आपको दीवारों पर भी दिख जाएगा, तमाम चीज़ें दिख जाएंगी, तो कल्चर का एक बहुत बड़ा सिंबल था। वेल्थ का तो जरिया था ही, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लोग चैरिटी चलाते हैं, और शुरुआत से लेकर राजा महाराजाओं के टाइम, जो उस वक्त से लेकर एक वेल्थ का एक सेंटर बना था टेम्पल, तो आपने वेल्थ नहीं रहने दी, पुजारियों को सैलरी ना के बराबर आप देते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, आए दिन पता चलता है कि मंदिर के ये दीवार तोड़ दी, वो मूर्ति का चेहरा खराब कर दिया, वो दीवार पे पेंट कर दिया, वो मूर्ति चुरा के ले गए, किसी 400 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति का गला काट दिया। आंध्र प्रदेश में पिछले 18 महीनों में 150 के आसपास घटना हो चुकी है। ये जो पुराने धरोहर हैं,
इनको आप बिगड़ने के बाद वापस नहीं ला सकते। ये 100 साल 1000 साल पहले 100 साल लग गए बनाने में, फिर अभी तक मतलब इतनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने कुछ खड़ा किया हमारे लिए और हम अपनी लापरवाही से उसको होने दे रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए कि आपने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिस वजह से इस चीज़ का समाधान हो सकता हो। अब आप मुझे बता दीजिए कि 400 साल पुरानी मूर्ति का गला अगर वापस से किसी भी तरीके से उस पर रख के जोड़ दिया जाए, चिपका दी जाए, क्या उसमें वो बात रह जाएगी? मतलब आस्था वाली बात नहीं कह रहा हूँ, क्या वो जो ब्यूटी है वो रह जाएगी? क्या वो जो ओरिजिनलनेस है वो रह जाएगी? शायद नहीं। अब कुछ कोर कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। क्योंकि मंदिर वेल्थ का पालन पोषण का सेंटर था, क्यों विद्या का सेंटर था, नॉलेज का सेंटर था, हर चीज़ का सेंटर था, तो क्योंकि अब मंदिर से पालन पोषण नहीं होता गरीबों का, तो जो प्रजाति आज की डेट में गरीब है उसको कह दिया गया दलित, उसको कह दिया गया पिछड़ा वर्ग, उसको कह दिया गया कि तुम्हारा तो पालन पोषण हिंदू ब्राह्मण ये लोग करते नहीं हो, तुम तो किसी के नहीं हो, तुम्हारा तो मुकाबला ब्राह्मण से, तुम्हारा मुकाबला राजपूत से, अपर कास्ट से तुम्हारा मुकाबला है, क्योंकि ये तुमको छोड़ चुके हैं, ये तुमको निचला दिखाते हैं। ठीक, इस बात का फायदा उठाते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज और जय भीम के बाद जय भीम वाले। ठीक, इस बात का फायदा उठाते हैं ये बोल के ब्राह्मण जो है तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है, तुम्हें उसके अगेंस्ट खड़े होना है और देश तुम्हारा है, ब्राह्मण तो बाहर से आया है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस बात का फायदा उठाते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज ये बोल के कि तुम्हें हक नहीं है, तुम्हारी कम्युनिटी तुम्हें पालती नहीं है, हिंदू तुम्हें छोड़ चुके हैं, मंदिरों से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, हमारे चर्च आना शुरू करो, तुमको चावल की बोड़ी देंगे, तुमको पैसा देंगे और रेगुलर बेनिफिट्स देंगे, हक सम्मान सब दिलाएंगे, एक बार कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कहते हैं तो अगर हम ये सब कर पाते, फंडिंग्स कंटिन्यू रहती, जनता जो चढ़ाती है वो अबंडेंस में पैसा रहता, तो मेंटेनेंस रहती, सिक्योरिटी रहती, कोई टेंपल ख़राब नहीं होता, कोई मूर्ति ख़राब नहीं होती, जो उसकी एंशंट जो कल्चर जो हिस्ट्री जो उसकी ब्यूटी वो बरकरार रहती, उस मंदिर की वजह से जो डोनेशंस जो वेलफेयर के काम होते, जो ह्यूमैनिटी के काम होते हैं वो बरकरार रहते, कन्वर्जन्स ना के बराबर होते नहीं ना। देखो, जिसका काम ही है कन्वर्ट करना, जिस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो अब्राहमिक रिलीजन है उनका काम ही, उनको यही लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, जो इस्लाम में नहीं है, वो भटका हुआ है, उसको हमें इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में लाना है, या जीसस लव्स यू, या तुम्हें अल्लाह में ईमान लाओ, या मरना नर्क में जाओ, तो वो तो अपने एजेंडे से नहीं भटके गए। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होनी चाहिए थी हमारी उस कम्युनिटी की तरफ जो किसी कारण से दब गई है, प्रताड़ित हो गई है, पिछड़ी हो गई है, लेकिन हम वो शायद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ही पैसा हमारे पास नहीं है। जब हम उस इंटेंशन से दान देते हैं कि समाज का भला होगा, लेकिन होता सिर्फ सरकार का भला है, और उस सरकार क्या करती है, कैसे उसको यूटिलाइज करती है, कहाँ रखा है वो फंड, क्या उसका हिसाब किताब है, सरकार भी डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन कब्जा करने पहले आ जाती है। और मुझे दुख तो ये है कि जो दावा करते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार हैं, हम संघ के लोग हैं, हम भगवाधारी हैं, हम रियल वाले सेकुलर हैं, हम सबका सोचते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे सब फालतू के टंटे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उनकी कई बातों में सपोर्ट नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन अगर आप जहाँ गलत हैं मैं आपको वहाँ भी गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि 6-7 साल से आप सेंटर में हैं, आपने क्या उखाड़ लिया, कई राज्यों में आपका दूसरा टेन्योर भी होने वाला है, आपने क्या उखाड़ लिया। अगर आपके दिमाग में सारी बातें हैं, अगर आपके दिमाग में हैं, तो आपके दिमाग में रहने से, आपकी इच्छाओं में रहने से आपको अगला टेन्योर नहीं मिलने वाला साहब। आप उसको एक ऐसे कागज पर लिखिए जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो, आपने मैनिफेस्टो में दर्ज कराइए कि हम आने वाले टेन्योर में ये काम करेंगे, विद इन 1 ईयर, सरकार में आने से साल भर के अंदर अंदर करेंगे अगर आप, तो आपको अगला टेन्योर मुबारक हो, नहीं तो आपकी घर वापसी। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ जनता स्टैंड ले, अपने लिए, अपने समाज के लिए स्टैंड ले। ये कोई रिलीजियस हिंदू मुस्लिम नारा नहीं है, ये कोई रिलीजियस हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, क्योंकि बात तो हिंदू की हो रही है सिर्फ, मुसलमानों की नहीं हो रही, क्रिश्चियंस की नहीं हो रही, किसी रिलीजियस भेदभाव की नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमान अपने मस्जिद में मदरसे में खुश हैं, उस पर तो कोई सरकार का हक नहीं है, उल्टा फंडिंग पे फंडिंग अभी योगी सरकार ने दिया ना, 479 करोड़, उसमें वीडियो बनाई, लेकिन योगी सरकार ने गुरुकुल तो नहीं बनाया, भले महाभारत रामायण पढ़ाने की बात हो रही है कि 100 मदरसों में महाभारत रामायण पढ़ाई जाएगी, कहने को कहा जा रहा ना, आप चेक कैसे करेंगे इसके ऊपर, आपका उसका कोई विधान तो है नहीं, क्या पता ना पढ़ाएं वो, कह के ना पढ़ाएं, क्योंकि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है, उनकी अपनी किताब पढ़ के ना, महाभारत रामायण पढ़ेंगे तो सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे, और ये वो नहीं चाहते। ये पैसा आप गुरुकुल खोलने में लगाते तो वास्तविक में जो हिंदू है वो सनातनी बन के निकलता, वो
भारत के लिए कुछ करता। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो भी कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, नए सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह का मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो, डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके दिए हुए हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन करना आपका फ़र्ज है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ, बातें रखता रहूँ और दूर तक बातें पहुँचती रहें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।